हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें बताए थे एक बहुत ही बड़ा बिग अनाउंसमेंट किए थे जिसमें बताए थे कि मैं एक बहुत ही जल्द एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल कैसे बना सकते हैं, थंबनेल कैसे लगा सकते हैं अपने वीडियो पर एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, काफी सारी बातें किए थे उस वीडियो में जो कि आप लोग एक अनाउंसमेंट दिए थे। दोस्तों यूट्यूब चैनल के न्यू सीरीज के ये पार्ट वन वीडियो है। आज आप लोग के लिए बताएंगे अगर आप लोग एक YouTube चैनल बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है। जैसे इक्विपमेंट्स मतलब जैसे हो गया YouTube चैनल के लिए कौन सा कैमरा जरूरत है और आपको क्या क्या चीज चाहिए, माइक लाइट क्या क्या चीज चाहिए, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए तब आप YouTube चैनल ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज आज का ये वीडियो। तो न्यू सीरीज के ये पार्ट वन वीडियो है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगा। ऐसे करके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थर्ड सब वीडियो में बताएंगे कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और जीमेल कैसे बना सकते हैं, काफी सारे बातें इस सीरीज में करेंगे हम लोग और आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जैसे बताएंगे डिस्क्रिप्शन कैसे लगा सकते हैं आप लोग, टैग्स कैसे लगा सकते हैं, सारा कुछ बातें करेंगे, चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो गाइज उससे पहले ये मेरा पार्ट वन वीडियो है, मतलब इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोगों को अगर आप लोग एक चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। तो गाइज वीडियो आगे बढ़ाने से सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जाएं इंस्टाग्राम में और मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बताते हैं अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं। तो नंबर वन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन का जरूरत होगा। जी हाँ गाइस, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन नहीं है तो आप ये यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको एक स्मार्टफोन जरूरत होगा जो कि ये मेन चीज है। अगर आप लोग स्मार्टफोन आपके पास नहीं है तो आप ये वीडियो भी शायद नहीं देख पा रहे होंगे। जी हाँ, और सबसे मेन चीज है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन है तभी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो नंबर वन में समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन एकदम कंपलसरी जरूरी है। तो इसके बाद चलिए जान लेते हैं नंबर टू के बारे में, आप लोगों को नंबर टू में क्या क्या चाहिए। तो गाइस इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपको एक माइक की जरूरत होगा जो कि ऑडियो क्वालिटी और बेटर करने के लिए। तो अगर आपके पास बजट नहीं है माइक लेने के लिए तो अभी स्मार्टफोन के साथ ही एक हेडफोन दिया जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जो स्मार्टफोन के साथ एक माइक दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है। तो अगर आप लोग माइक नहीं लेना चाहते तो आप हेडफोन्स का भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास बजट है तो आप लोग एक अच्छा माइक ले सकते हैं, बोया M1 और बहुत सारे अच्छे क्वालिटी का माइक रहता है, वो 1000 के अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो इससे कम में भी माइक आता है, 400 500 200 300 में भी माइक आता है, तो वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता है, जो ऑडियो रिकॉर्ड अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। तो आप लोग क्या करें, अगर आप लोग माइक लेने का बजट नहीं है तो आप लोग अपना हेडफोन में भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं पहले वैसे ही करता था, मैं पहले ही माइक नहीं लिया था, पहले हम हेडफोन्स का यूज करते थे। अगर आप लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा धीरे धीरे मैं सब कुछ लिया। तो सबसे पहले ऑडियो क्वालिटी अच्छा करने के लिए आपको माइक या तो फिर हेडफोन्स का जरूरत होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि नेक्स्ट आप लोग को क्या चाहिए। तो नंबर थ्री में अगर बात करें तो आप लोग को एक लाइट चाहिए। अगर आप लोग मेरे जैसा अंधेरा में शूट करते हैं तो आप लोग को एक लाइट चाहिए। तो अगर आपका बजट नहीं है लाइट लेने के तो आप लोग बाहर जाके आउटडोर में जाके सनलाइट में आप लोग शूट आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी लाइट की जरूरत नहीं होगा। अगर आप लोग अंधेरे में हो और आपके पास अच्छा बजट है तो आप लोग एक रिंग लाइट ले सकते हैं या कोई भी लाइट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये जो
अंधेरे में शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारा लाइट है, तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप लोग आउटडोर में शूट कर सकते हैं। और अगर आप लोग आउटडोर में शूट करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को एक अच्छा टाइम बताता हूँ। आप लोग मॉर्निंग के 10 बजे तक आप लोग वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा जो सनलाइट आता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी देता है। और आप लोग शाम के 4-5 बजे आराम से शूट कर सकते हो, जो कि वीडियो की जो क्वालिटी आता है, सनलाइट आता है, वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप लोग को बता दिया कि अगर आपके पास बजट है तो आप लोग लाइट ले सकते हैं। अगर आप लोग अंधेरे में शूट करते हैं या तो फिर आप लोग आउटडोर में भी शूट कर सकते हो सनलाइट में। तो चलिए नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो नंबर 4 में आता है एक ट्राइपॉड। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको एक ट्राइपॉड की जरूरत है जो कि मोबाइल को होल्ड कर सके। जी हाँ गाइस, मोबाइल होल्ड करने का एक ट्राइपॉड चाहिए। और अगर आपके पास बजट नहीं है ट्राइपॉड लेने की 2000-1000 रुपया का, तो आप लोग सेल्फी स्टिक से भी काम चला सकते हैं। मैं तो गाइस मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अभी ट्राइपॉड माइक कैमरा सब खरीदे। मैं आप लोगों को हाईफाई जाने के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोग सेल्फी स्टिक से भी आप रख सकते हैं या तो फिर कहीं से टिका कर भी रख सकते हैं। आप अपना जुगाड़ खुद कर सकते हैं। मैंने पहले सेल्फी स्टिक से शूट करता था। तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप लोग आराम से ट्राइपॉड खरीद सकते हैं। ट्राइपॉड में बहुत ही अच्छा होता है जो कि मोबाइल एकदम होल्ड हो जाता है। और अगर आप लोग कहीं से भी टिका कर रखेंगे तो उसमें सेक होने का ज्यादा चांस है, जैसे मोबाइल हिलता रहता है। तो आप लोग सेल्फी स्टिक से भी काम चला सकते हैं, कहीं से भी टिका के आप मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर के बारे में कि दोस्तों 5 नंबर में आप लोगों को चाहिए एक कैमरा। आपको एक कैमरा चाहिए जो कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड जो कर सके वो अच्छा क्वालिटी का हो। बेसिकली गाइस मैं ये कैमरा नहीं बात करने वाला है कि आप कैमरा ही लेना चाहिए, नहीं दोस्तों आप कैमरा नहीं भी ले सकते क्योंकि आप मोबाइल से भी शूट कर सकते हो। क्योंकि अभी जो मोबाइल आ रहा है गाइस, स्मार्टफोन जो आ रहा है, उसमें कैमरा बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है हम लोग को। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हैं क्वालिटी, तो ये मेरा स्मार्टफोन का है जो कि मैं फोन से शूट कर रहा हूँ। तो आपको कैमरा लेने की कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि आप अपना स्मार्टफोन में भी काम चला सकते हो। तो अगर मैं इसके बाद बात करें तो आपको एक लैपटॉप चाहिए। तो अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें आप अच्छी तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप स्मार्टफोन में भी लैपटॉप या कंप्यूटर से अच्छा एडिटिंग कर सकते हो। जी हाँ गाइस, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से ही एडिटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप लैपटॉप से अच्छा अपने मोबाइल से एडिटिंग कर सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मेरा लैपटॉप में एडिटिंग करने में पूरा दिन चला जाता है, लेकिन आप लोग अपना मोबाइल में 1-2 घंटा में एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो अगर आप लोग चाहे तो। अगर आपका एक बहुत ही अच्छा बजट है तो आप एक लैपटॉप ले सकते हो, नहीं तो आपका अगर बजट नहीं है तो आप लोग एक स्मार्टफोन से भी सारे काम कर सकते हो। तो आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जो आप लोग को सारे चीजें बता दिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो ऑडियो क्वालिटी अच्छा करने के लिए तो आप लोग अच्छा माइक ले सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा एक स्टैंड हो, अच्छा सा ट्राइपॉड हो, तो आप लोग ट्राइपॉड ले सकते हो जो कि आप मोबाइल को होल्ड कर सके। और कुछ ज्यादा चीज नहीं है गाइस, आप लोग ये सब ले सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा खासा बजट है तो आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या लेना है। अगर आपका अच्छा बजट नहीं है, लो बजट है, तो वो भी आप लोगों को बता दिए कि लो बजट के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है। तो दोस्तों ये था YouTube चैनल सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद पार्ट 2 आएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिलेंगे YouTube चैनल के रिगार्डिंग, कि आप लोग थंबनेल कैसे बना सकते हैं, चैनल कैसे बना सकते हैं, धीरे धीरे सभी जानकारी आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएंगे, इसके बाद पार्ट 3 आएंगे, बहुत सारे बातें करेंगे गाइस। इस सीरीज में बहुत ही मजा आएगा, ये न्यू सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और गाइस जितना गर्मी है फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस, प्लीज इसी खुशी में आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।